सच साहस सरोकार। बगावत करने वाले धारीवाल, जोशी और राठौर को क्लीन चिट पायलट ने कार्रवाई की पैरवी की थी, गहलोत ने इन्हें बताया था एसेट। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का रूट फाइनल, 3 दिन में 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी। हिमाचल के एमएलए विक्रमादित्य मुश्किल में फंसे, पत्नी की शिकायत पर राजस्थान कोर्ट से मिले गैर जमानती वारंट। क्रेमलिन में फ्लू की दहशत, ब्रिटिश मीडिया का दावा, बंकर के छिपे पुतन, रूसी राष्ट्रपति को कैंसर होने का दावा। अर्जेंटीना फाइनल में अल्वारेज ने मेसी से ज्यादा गोल के, 10 साल पहले थे मेसी के फैन, अब 2 गोल दागकर क्रोएशिया को हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव की आवाज करहल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी एवं व्यापारियों से घबरा कर सरकार ने GST छापेमारी पर रोक लगाई है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि निकाय चुनाव से सरकार भाग रही है, आरक्षण प्रक्रिया में भेदभाव हुआ है, अधिकारियों ने मनमानी एवं कुछ मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण लागू किया गया है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई समाजवादी पार्टी से, डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का एक भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहाँ भी छापा पड़ा है वहाँ भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई है। अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निमंत्रण को लेकर मंगलवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निशा ने ब्राजील के व्यावसायिक राजधानी सोआपोलो में उद्यमियों, व्यापारी संघों के पदाधिकारियों और गणमान्य जनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ब्राजील में इस भव्य सभा के सामने बोलना वास्तव में गर्व की बात है, जिसका एक इतिहास, संस्कृति और आर्थिक परिदृश्य है जिसने दुनिया में एक अलग स्थान बनाया है। खबर कानपुर देहात से है, जहां कस्टोडियल डेथ के मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने आरोप लगाया कि कानपुर देहात SP के निर्देश पर यह घटना हुई है, वहीं अब व्यापारी का पोस्टमार्टम कानपुर से होगा। मामले में सांसद देवेंद्र सिंह भोले काफी नाराज दिख रहे हैं। बता दें कि पुलिस पर पिटाई कर हत्या का आरोप भी है। बलवंत सिंह की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है और ये मौत भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के कारण अपने अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के मतलब निर्देश पर ये घटना घटित हुई है। श्याम सिंह का लड़का है बलवंत सिंह और लूट हुई है श्याम सिंह के भाई की, जिसकी जो मृतक है ये लाइसेंस है GST का, व्यापार करता है। गोंडा में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां चोरी हुई बाइक के मामले को लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोली है। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस नकारा है, कुछ काम नहीं करती है। बता दें कि जिले में लगातार बाइक गिरोह सक्रिय है, एक हफ्ते में 2 बाइक चोरी हुई है, लेकिन पुलिस मामले को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है।
औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बदमाशों ने स्कूटी सवार भाई बहन को लूट लिया। युवती अपने भाई के साथ दिबियापुर मौसी के यहां जा रही है। इस दौरान बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित भाई बहन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पाकर एरवा कटरा थाना अध्यक्ष जीवाराम फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और युवती ने बताया कि कन्नौज जनपद के पुलिस को लुटेरे की जानकारी दी। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर युवती और उसके भाई बहन से घटना की जानकारी ली और बदमाशों की तलाश में जुट गए हैं। बाइक स्कूटी से आ रहे थे तो एक बाइक पे तीन लोग थे और उन्होंने गमछा सफेद गमछे से पूरा मुंह ढका हुआ था। तो हम लोग थोड़ी दूर पे आए थे, जंगल टाइप का एरिया था थोड़ा उधर से, तो मेरे गाड़ी के सामने आकर रुक गए कि बोलो गाली वाली देने लगे, रुको यही फिर को। तो तीन लोग थे, गन निकाली, दो गन थी उनके पास में और मेरी छोटी बहन मतलब मेरी बड़ी बहन थी, वो गले में मंगलसूत्र और चैन पहने हुई थी। तो वो मतलब छीन चपट्टी करने लगे, उनको छीन के और वो कट्टे दिखाने लगे और उसको पकड़ लिया। किस जगह घटना है ये? बस यही थोड़ा एरवे कटरा की एरवे कटरा से थोड़ा पीछे बढ़ता है। आपने आज करीब 10:15 बजे एक महिला अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से सौरिक से एरवा कटरा की तरफ आ रही थी कि एक अपाची मोटरसाइकिल पर जिस पर तीन लोग सवार थे वो सौरिक से ही पीछा कर रहे थे। चपुन्ना बॉर्डर क्रॉस करने पर एरवा कटरा की तरफ ओवरटेक करके महिला से चैन एवं मंगलसूत्र छीन लिए और छीन करके पुनः सौरिक कन्नौज की तरफ वापस भाग गए। हरदोई के बिलग्राम इलाके में खेतों के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात था। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कई अन्य बिंदुओं पर जाँच में जुट गई है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम खेरिया में देर रात से ग्रामीणों ने परिषदीय विद्यालय का ताला तोड़कर 300 आवारा जानवर बंद कर दिए। मंगलवार सुबह शिक्षक और बच्चे स्कूल पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें गेट के बाहर कर दिया। स्कूल पहुंचे छात्र आवारा पशु देखकर भाग गए। शिक्षक पूरे समय तक गेट के बाहर बैठे रहे लेकिन अब तक समस्या जस की तस बनी रही। किसान बोले फसल की कम पैदावार से बाहर कमाने गए नौजवान बहुए सधवा होते हुए विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर है। अरे नींद हराम करते जानवर खेत चले जाते हैं, रात खेते बचाओ तो रात। सबसे बड़ी समस्या लड़का भाग गया गांव छोड़ के, विधवा होते हुए विधवा है, लड़के सब भाग गए दिल्ली लुधियाना वहां काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ बचाते हैं खेत, बहुए घर में ऐसे बेचारी घूमती है क्या करें। आपके गाँव में कोई गौशाला नहीं है? नहीं, गौशाला है क्षेत्र आस पास लगनाई। कितने जानवर होंगे लगभग स्कूल के अंदर? स्कूल अंदर हुए 2.5 से। गाजियाबाद के लोनी में 5 बच्चों के गायब होने की सूचना से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने पुलिस को दी सूचना गायब होने की और बच्चों के गायब होने की सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे आला अधिकारी। बच्चों को ढूंढने के लिए बड़ी संख्या में लगाया गया था पुलिस फोर्स। वहीं पुलिस की तत्परता से कुछ ही घंटों से मिले बच्चे को ढूंढने कामयाब हो गए। बच्चों के मिलने से परिजनों में खुशी की लहर, परिजनों ने जताया पुलिस का आभार। थाना टोनिका सिटी अंतर्गत पूजा कॉलोनी के एक परिजन द्वारा से ये सूचना दी गई डायल 112 पर 4:15 बजे के लगभग कि उसके बच्चे इंडियन पब्लिक स्कूल जो यहीं पूजा कॉलोनी में ही है उसमें पढ़ने गए थे और पांचों बच्चे उनके घर नहीं पहुंचे, जिसमें 4 लड़कियां हैं और 1 लड़के जो कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था के हैं। पुलिस टीम ने तत्काल सक्रियता से खोजबीन शुरू की। कितने बजे सूचना प्राप्त हुई थी सर? करीब 4:45 3:45 की इनकी सूचना है जो इन्होंने 112 पे कॉल किया और थाने को और इमीडिएटली मुझे एसीपी को तुरंत सूचना प्रसारित हुई।
लखनऊ के गुंडम्बा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दो बाइक सवार पर तीन बदमाशों ने ज्वेलर्स गन पॉइंट पर ज्वेलरी भरा बैग लूट लिया। ज्वेलर्स के विरोध पर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से संदिग्ध युवकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। पीड़ित के मुताबिक बदमाश करीब 10 लाख का जेवर लूट कर भाग गए। माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से मेरी एक शॉप है। शॉप का एड्रेस ये है कि भारत पेट्रोल पंप मिश्रा कॉम्प्लेक्स में मेरी ऊपर शॉप है। मैं अभी करीब 8 बजे के लगभग मैं शॉप बंद करके घर जा रहा था, तो मैं ज्वेलरी कुछ अपने बैग में रख के ले जाता हूँ। गोल्ड की ज्वेलरी सारी ले जाता हूँ, थोड़ी सी चांदी की ज्वेलरी ले जाता हूँ, और वो बैग एक बैग है मेरा चमड़े का बैग था, उसमें भर के ले जाता हूँ। करीब 8 बजे लगभग मैं घर जा रहा था, तो मेरे घर से 90 मीटर की दूरी पर मेरे घर के आस पास ही जो है वो तीन बदमाशों ने मुझे रोका। लगभग 8:30 के आसपास गुड़म्बा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मिश्रीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नरेश सिंह है और जिनकी ज्वेलरी की एक शॉप है। यहाँ गुड़म्बा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी की एक शॉप है, ये अपनी शॉप बंद करके लगभग 8 बजे के आसपास अपने घर की तरफ जा रहे थे और घर से 100 मीटर पहले तीन अज्ञात लोगों ने इनको रोका और इनके पास जो ज्वेलरी से भरा बैग था, इनके पास जो ज्वेलरी थी बैग था उसमें कुछ ज्वेलरी थी, तो बैग को छीन करके वो लोग फरार हो गए। फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक आवारा गाय से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि एम्बुलेंस देरी से आने के कारण चालक की मौत हो गई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।